रतलाम जिले के जावरा में पुलिस प्रशासन तथा नागरिकों के मध्य जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जनसंवाद में उज्जैन आईजी राकेश गुप्ता भी सम्मिलित हुए। इसके साथ ही डीआईजी रतलाम रेंज गौरव राजपूत, कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, एसडीएम राहुल घोटे, जावरा सीएसपी अगम जैन तथा बड़ी संख्या में जावरा के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। जनसंवाद में हिस्सा लेते हुए आईजी राकेश गुप्ता ने कहा कि जावरा का स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ सारे त्यौहार सौहार्द के साथ मिलजुल कर मनाए जाते हैं। इस सौहार्द की परंपरा को कायम रखे उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों से बचने की अपील सभी नागरिकों से की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध निश्चित रूप से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। नागरिक हमें ऐसे तत्वों की सूचना देवे जो गलत मैसेज वायरल होते हैं, उनकी जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी समुदाय की दिनचर्या एक दूसरे से जुड़ी है और विकास की पहली शर्त शांति होती है और शांति मिलजुल कर रहने से ही आती है। आईजी राजपूत ने अपने संबोधन में मूलतः चार बिंदुओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनसंवाद का उद्देश्य संवाद, सामंजस्य, समन्वय तथा सौहार्द से जुड़ा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जावरा को उत्कृष्ट तासीर एवं तहजीब वाला शहर बताते हुए कहा कि यहाँ सभी समुदाय में आपसी प्रेम और सौहार्द की लंबी परंपरा है। जावरा के नागरिक अपनी इस विशिष्टता को बनाए रखे, कोई असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व सौहार्द की परंपरा को दूषित नहीं करे, इसकी जिम्मेदारी सभी की है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। तो इसमें चलने वाली 90% चीज़ों में कई बार लोग अनवेरीफाइड न्यूज भी आती हैं और उसमें भी हम जगह जाने बचाने प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत ही गलत अनुमान हो गया कि आपने अगर कोई भी चीज़ का सामना सवाल को बिगाड़ने वाली है उसको प्रोवाइड नहीं कर दिया तो उसमें कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। तो कृपया ऐसी सुविधा के बल्कि मैं इसके आगे बढ़ने की कार्रवाई आप लोगों से अभिषेक करूँगा कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो आवश्यक रूप से हमारे थाना परिवार, हमारे सीएसपी, हमारे तहसीलदार, हमारे एसडीएम, आप लोगों की जानकारी में आवश्यक रूप से डालिए। के साथ ये एक मैसेज है जो चल रहा है लगातार, ये अनवेरीफाइड है। हम समझते हैं कि इस मैसेज का कोई बहुत उपयोग नहीं है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि समाज में हमारे सारे लोग आज तक कितने सालों से एक जो रहकर आए हैं, हमारी सबकी आजीविका एक दूसरे पर निर्भर है। हिंदू धर्म की सारी में जो चढ़ाई होती है वो अनुमान करने वाले मुस्लिम कलाकार ही होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। आपके आने वाला गेहूँ, आपके आने वाला अनाज, वो कोई हिंदू किसान उगाता है या कोई मुस्लिम किसान उगाता है। कुल मिलाकर मेरा कहना है कि हमारा जीवन सबका आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। और जैसा आप जानते हैं कि आज दुनिया इस बात को देखती है कि आपका विकास कितना है, इस बात को देखती है कि आप यहाँ किस धर्म का बोलबाला है या कौन धर्म किसके ऊपर है। दुनिया ये देखती है कि आप कितना विकास की दौड़ में आगे हो। दुनिया के वही देश आज पूछे जाते हैं जिनकी सबसे ज्यादा पूछताछ है, जिनने विकास बहुत ज्यादा किया। और विकास के लिए पहली शर्त है शांति, और वो शांति तभी आ सकती है जब हम भाईचारे के साथ रहें, मिलकर रहें। कुल मिलाकर आज हम सब अधिकारी यहाँ आए, हमारा दायित्व यह है कि हम शांति बनाने का काम करते हैं। यही मेरे जवान हैं कि जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है तो ये अपना पसीना बहाते हैं, और यही मेरे जवान हैं कि जब हुसैन जयंती पर मेला लगता है तो इन्हीं जवानों ने यहाँ पसीना बहाया है। कुल मिलाकर हम यहाँ है सुरक्षा देने के लिए, और हर वर्ग, हर समाज को हम बराबरी से सुरक्षा देंगे, हमारा दायित्व ही है। और जैसा कि बात हुई कि हमारा आपस में बेहतर समन्वय हो, हमारा आपस में बेहतर संवाद हो, और हम बहुत अच्छे तरीके से आगामी दिनों में रहें। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को ऐसी कार्यक्रम और परिस्थितियों में भी और सामान्य स्थितियों में भी और जब कभी मौका लगे और जब कभी हम जावरा आए तब आपस में ऐसी बातचीत होती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, एक तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। ये दूसरी सच्ची बात मैं बोलूँगा कि वास्तव में मैंने जो क्या भावनाएं आपके अंदर है, विशेष जो आयोजन किया गया क्या रहे सर? आज
आज कुल मिलाकर हम जावरा में मैं और मेरे सभी साथी अधिकारी यहाँ संवाद के लिए आए थे और जनसंवाद में मुख्य रूप से हम आपस में कैसे भाईचारे से रहें, कैसे मिलजुल कर रहें, इन मुद्दों पर जावरा का विकास कैसे हो, इन मुद्दों पर हमारी चर्चाएं हुई हैं। काफ़ी लोगों की बातें भी हमने सुनी जिसमें उन्होंने सद्भावना समिति के गठन की बात कही है, वो हम लोग लगातार उसमें करेंगे ही। सोशल मीडिया को लेकर हमारी एक बड़ी अच्छी चर्चा हुई कि सोशल मीडिया में चूंकि 144 का आदेश अब लागू है तो कोई भी ऐसी बात जो सांप्रदायिक स्वाद को बिगाड़ने वाली है अगर हम उसे फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें या लाइक करेंगे तो उस पर जरूरी आवश्यक रूप से कार्रवाई होगी। इसके अलावा किराएदार, इनकी सूचना हम लोग आवश्यक रूप से थाने में दें ताकि कोई असामाजिक व्यक्ति ना आ सके। आज कुल मिलाकर सभी जावरा के नागरिकों के बीच में हम लोगों को आकर यह विश्वास हुआ कि जावरा हमेशा से ही सांप्रदायिक सौहार्द का एक क्षेत्र रहा है और वो हमेशा ही बना रहेगा। आज बड़ी सार्थक बातें हुई हैं और लोगों ने बहुत ही अच्छा आज यहाँ अपना बातें रखी। उसकी ऐसी कोई भी मंशा हो उसको हम सभी लोग मिलकर के वतन करें और उनके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने, आपका इसमें क्या नजर आ रही है, हमारी इसमें क्या नजर आ रही है और हम दोनों के लिए इसमें क्या भागीदारी होगी, इस विषय पर आज हमारा ये आयोजित सत्र भी चलेंगे। अभी जैसे आपको इसके साथ ने बताया कि कई प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश हम लोगों ने जारी किए हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है, कई बार लोग ऐसे समझते हैं कि हमारी आज़ादी को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के आदेश दिए गए हैं, परंतु मैं उन्हें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगी कि 144 सीआरपीसी में जो भी आदेश करते हैं वो कुल मिलाकर के जो आम जनता है उनको किसी प्रकार का इनकन्वीनियंस नहीं हो उसके लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक सबका है, एक ग्रुप है जिनको किसी विषय को लेकर के ऐसा लगता है कि इस बात को हमें शासन प्रशासन तक पहुँचाना है और इसके लिए हमें एक रैली का आयोजन करना है और हम उसको रोड पर इस जगह से वहाँ लेकर के जाएंगे और इसी रैली के दौरान यदि कोई पेशेंट वहाँ से निकल रहा है, एम्बुलेंस से जा रहा है, कोई गर्भवती महिला जा रही है और इस रैली के कारण वो रास्ता रोक देते हैं, वहाँ पर चौका जाम की स्थिति हो जाती है और वो महिला या पेशेंट को कोई तकलीफ होती है तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय करना होगी। तो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन उस बात को रखने के लिए भी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन, एक अनुशासन हम सभी को फॉलो करना है और इस प्रकार से अपनी बात को रखना है कि किसी और को इसके कोई तकलीफ ना हो। यही कारण है कि जो आपकी व्यक्तिगत आयोजन है उनको इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में हमने बाहर रखा है, यानी शादी इत्यादि के लिए किसी प्रकार की किसी अनुमति की आवश्यकता आपको नहीं होगी। जैसे आपको बताया सोशल मीडिया का बहुत मिसयूज रिसेंटली देखने को मिला है, आप सभी देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में नीचे नीचे का सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं, अधिकतर लोग यूज करते हैं और व्हाट्सएप की एक जो बहुत बड़ी विसंगति है वह यह है कि उस पर जैसे मैसेज आता है उस मैसेज के बारे में उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचने की पहले हम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम उसको अपने जानने वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी उस मैसेज को आगे बढ़ा देते हैं। इस पर भी हम लोगों को सोच विचार करने की आवश्यकता इसीलिए बहुत ज्यादा है कि कई बार ऐसे सभी मैसेजेस का, ऐसी अफवाहों का हमें कोई बैकग्राउंड यानी उसकी वास्तविकता नहीं मालूम होती, परंतु आपके ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने से कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई समूह उद्वेलित हो जाए और कुछ ऐसी घटना घटित कर दे जिससे कि जो यहाँ की शांति है, जो यहाँ का चयन अमन है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं आपसे आज इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में या कभी भी कोई आदेश लागू हो या नहीं हो, सोशल मीडिया पे आपको जिस भी प्रकार की कोई ऐसी आपत्तिजनक या ऐसा कोई बिंदु जो आपको वेरीफाइड नहीं है, मतलब आपको कंफर्म नहीं है कि इस प्रकार की कोई चीज हो गई है, कोई घटना हो गई है, उसकी सत्यता को बिना जाने कृपया उसको फॉरवर्ड या शेयर ना करें। हमारा काम अफवाहों को या गलत खबरों को और प्रसारित करना नहीं है, इसीलिए आप अपने स्तर पर ही उसको रोके और उसको समझो और एक समझदार नागरिक होने का सबक आप सभी लोग हैं। जा रहा है जिससे डिप्रेशन के मरीज और दूसरी समस्याओं के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
उस चीज को नजरअंदाज करते हुए एक परिवार 50 साल से एक मोहल्ले में शांतिपूर्वक रह रहा है। उनके पढ़ने वाले बच्चे भी एम्स के अंदर है, अच्छे पढ़ने वाले हैं, उनके 85 साल के बुजुर्ग है, 80 साल के बुजुर्ग है, और अचानक क्या होता है कि एक पास में एक अपने गोदाम मिलता है और कुछ टाइम बाद उसको फिर वो आगे दूर से बना के उसको टाइम बाद मेरी साल की परमिशन। पहला कारण है संवाद, संवाद जनता और पुलिस प्रशासन के मध्य। दूसरा कारण है सामंजस्य, सामंजस्य जनता में कुशलता और जनता के अंदर इस बात का प्रसार करना कि यहाँ शांति है, हालत को हम मेंटेन करेंगे। तीसरा कारण है समन्वय, ऐसा ना हो कि हम अपनी बात आपकी बातों को, आपकी बात हमारी बातों के बीच में एक रूपता ना रहे, समन्वय। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सौहार्द। हम हर स्थिति में जावरा का सौहार्द, जो शांतिपूर्वक सौहार्द है, उसको कायम रखने के लिए दृढ़ संकल्प है। ये चार बातें मुझे लगता है कि हम आपके साथ करना चाह रहे हैं, आप लोग हमारे पास आए, हम आपके समक्ष आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।